अपन शुरू आज की क्लास करते हैं शुरू अपन जो है एंड आई एम शेयरिंग यू वो स्क्रीन पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं आपको जिसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या चीज क्या क्या क्वेश्चन अपने सामने हैं और किस तरीके से अपन इन्हें सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने हाईलाइट किया है बेस्ट, इसके अंदर कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है वो हिल से स्टार्ट करता है रोल करना, ठीक है, हिल से टॉप से बॉटम तक आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। क्वेश्चन कह रहा है इफ इट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, अगर वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 20 सेकंड के अंदर, तो पहले तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है अपन को और फिर उसके बाद अपन को ये चेक करना है कि फाइंड इट्स फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास 7 टन। अगर इसका मास 7 टन है तो उसके फोर्स अपन को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। कौन बता सकता है पहले तो मुझे ये कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यू कैन टेल मी दैट हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बताइए। No one in the class. That means no one is studying at home. किसी ने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया करके। चलिए अपन इसको देखते हैं बोर्ड पे। What does the question say? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक है वैसे हिल से डाउन रोल करता है लाइक दिस। दिस ट्रक रोल्स डाउन द हिल। It travels a distance of 400 meters. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. In 20 seconds. ठीक है, इसके बाद अपन को ये भी बोला जा रहा है that तो यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि ये जो ट्रक है ये रोल डाउन करता है इस हिल पे एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स। क्वेश्चन के अंदर अपन को ये भी गिवन है दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का कितना है? जीरो है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं क्या चीज। सबसे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा बेटा? हमने मोशन में देखा था दैट एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चीज अपन ने मोशन चैप्टर में निकाली थी ये सेकंड। अब देखो एस अपन को पता है 400 इज इक्वल टू यू कितना है जीरो, तो जीरो इंटू टाइम कितना है 20 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स 400 इज इक्वल टू दिस बिकम्स ए इंटू 20 का स्क्वायर इज 400 ओनली एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। इसको यहाँ से काटा या 400 से 400 कट गया, ए की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ द क्वेश्चन सेज कि फोर्स निकालो, तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ द मास इज 7 टन्स, तो 7000 किलोग्राम लिख सकता हूं मैं इसे एंड मल्टीप्लाई बाय ए एक्सेलरेशन व्हिच इज 2। आंसर आ गया 14000 न्यूटन इज द फोर्स एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दे रखा था, टाइम दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी। अपन ने मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाई और आंसर निकाला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर दैट इसी एक्सेलरेशन को यूज करके अपन ने फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया 14000 न्यूटन इज द आंसर। तो बेटा बताइए ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट एवरीवन रेज हैंड करके बताओ everyone if this question is clear or not. Start writing in your copies also beta. Isko copy mein likhe. IP Sharma, Mahika, Mohit, Naina, Praveen, Bishnoi. Not raising hands in the class. Next question kya keh raha hai? Dekhiye aapko screen pe dikhega abhi next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं अ स्टोन ऑफ 1 केजी थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, ठीक है। एक लेक के फ्रोजन सरफेस पे
हमने स्टोन को फेंका है जो कि जिसका मास है 1 kg एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 20 meters per second अक्रॉस द फ्रोजन लेक. इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 meters. भाई ये 50 meters के डिस्टेंस को ट्रैवल करके रेस्ट पे आ जाता है. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? पहले तो बेटा समझना ये पड़ेगा दैट हमेशा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बॉल ग्राउंड से रोल कर रही है तो कुछ देर बाद रुक जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स कंटिन्यूसली लगता है अगर दो बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड करती है. तो बॉल जब ग्राउंड पे स्लाइड करती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसकी वजह से बॉल आगे जाकर रुक जाती है. सिमिलरली जब मैं एक पत्थर को फ्रोजन लेक का फेंकता हूँ तो लेक और स्टोन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स मेक्स द स्टोन कम एट रेस्ट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो पहले तो अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन निकालने के बाद अपन फोर्स निकाल सकते हैं विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सही बात है बेटा, तो बोर्ड पे देखें और सॉल्व करेंगे. देखो ध्यान, यू कैन सी एट द बोर्ड ओनली. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है ये मेरे पास फ्रोजन लेक है और ये पत्थर है. इस पत्थर को इनिशियली अपन ने कितनी वेलोसिटी दी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 meters per second की वेलोसिटी दी. कितनी दी? 20 meters per second की वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 meters per second. कुछ देर बाद जाते हुए रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी इज 0. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 50 meters. मास इसका है 1 kg. ठीक है, अपन से पूछ रहा है एक्सेलरेशन पहले और फिर पूछ रहा है फोर्स. एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा? थर्ड इक्वेशन यूज करके. थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं, देखें सॉल्व करते हैं. थर्ड इक्वेशन को अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं. थर्ड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. वी स्क्वायर इज 0 माइनस यू स्क्वायर इज 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 40. This is minus 400 divided by 80 is equal to a और a की वैल्यू यहाँ से आ गई minus 5 meter per second square. ये a की वैल्यू आ गई acceleration. अब acceleration मेरे पास निकल के आ गया तो obviously force भी निकाल सकता हूँ. Force will be equal to mass into acceleration. तो 1 into minus 5 answer will be minus 5 newton. ये मेरे पास क्या आ गया? Frictional force. क्या आ गया बेटा? This is frictional. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली है. ठीक है, चलिए. तो बेटा अब मुझे ये बता कि नहीं आया, फटाफट बताओ. चलो कोई डाउट नहीं है. चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बताता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन सेज एक 8000 केजी का इंजन है जो कि 5 wagons को कैरी करता है. इंजन किसका? ट्रेन का. ठीक है, इंजन किसका? ट्रेन का. ट्रेन का इंजन जिसका मास कितना दे रखा? 8000 kg. और पीछे कितनी वैगन्स है? 5 wagons है. तो 5 wagons. ठीक है बेटा, 5 wagons का मास भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है. ठीक है, तो अपन से पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स 5000 न्यूटन लगे और इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन एग्जर्ट करता है, इंजन जो है वो गाड़ी को पुल करता है पूरी ट्रेन को 40,000 न्यूटन का फोर्स एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन. तो पहली चीज ये पूछ रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स. फिर दूसरी चीज ये पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. और तीसरी चीज पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन टू. भाई वैगन वन टू पे कितना फोर्स लगाएगी वो चीज अपन से पूछी जा रही है. तो चलिए बोर्ड को देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो. मेरे पास ये ट्रेन है, इसके अंदर इंजन का मास है 8000 kg. दिस इज 2000, दिस इज अगेन 2000 kg, दिस इज अगेन 2000 kg, 2000 kg एंड 2000 kg. ठीक है बेटा, ठीक है. टोटल मास अगर मैं निकालूं यहाँ से, टोटल मास, तो टोटल मास विल बी इक्वल टू 2000 × 5 = 10,000. सही है, प्लस 8000 विच इज 18,000 किलोग्राम इज द टोटल मास. ये 18,000 किलोग्राम से आ गया टोटल मास आ गया.
फिर अपन से पूछा जा रहा है नेट फोर्स। नेट फोर्स बेटा कैसे निकालेंगे? देखो इंजन पुल करता है 40,000 न्यूटन से, इतने से 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स पूछा लगता है 5,000 न्यूटन का, तो बताओ नेट फोर्स कितना लगा? आगे लगा 40,000, पीछे लगा 5,000, नेट फोर्स विल बी 40,000 माइनस 5,000, आंसर इज 35,000 न्यूटन, आंसर इज 35,000 न्यूटन। हमने क्या निकालना था बेटा? आगे कितना फोर्स लग रहा था? आगे फोर्स लग रहा है 40,000 न्यूटन, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन जब 5,000 न्यूटन से खींच रहा है तो फ्रिक्शन 5,000 न्यूटन से खींच रहा है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना लगेगा? आगे की तरफ 40,000, पीछे की तरफ 5,000, नेट एक्सेलरेटिंग विल बी 35,000 न्यूटन, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई अपन से पूछेगा नेट एक्सेलरेशन निकालिए, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, acceleration will be equal to force upon my mass, and force is 35,000 newton and divided by mass is 18,000 kilogram, ye isse cancel ho gaya, acceleration ki value 35 by 18 aa gayi meter per second square ke andar, calculate kar lena beta points ho gayi, answer aa jayega mere paas, to ye mere paas answer aa gaya hai, theek hai beta, ye first two part maine solve kar liye। अब कौन बता सकता है बेटा मुझे कि यहाँ पर थर्ड पार्ट अपन कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट बताइए, हु कैन टेल मी दैट हाउ वी कैन सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? आप बताओ बेटा, बताइए बेटा, देखिए थर्ड पार्ट अपन को क्या कह रहा है, पहले तो ये देखिए थर्ड पार्ट अपन को क्या कहता है। थर्ड पार्ट अपन को कह रहा है कि फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन बी, मतलब फर्स्ट वैगन सेकंड वैगन पे कितना फोर्स लगाएगी, ये चीज अपन से पूछी जा रही है। तो बेटा कैसे पूछ सकते, कैसे निकाल सकते अपन ये बताओगे? देखो अगर मैं कैलकुलेट कर लूं कि पीछे की चार बोगी, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये चार बोगी फर्स्ट पे कितना फोर्स लगाएंगे, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई जितना फोर्स चार बोगी मिलके फर्स्ट पे लगाएंगी, न्यूटन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जितना फोर्स आगे लग रहा होगा उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे भी लग रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे चार बोगी से कैलकुलेट कर लेंगे फोर्सेस जो आगे वो लगा रहेंगे। फोर्स अपन कैसे निकाल सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन करके, क्या करके बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन से अपन ने फोर्स निकाल दिया, और फोर्स निकालने के बाद अपने पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से अपन फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए कौन बता सकता है मुझे फाइनल आंसर सॉल्व करके, फास्ट टेलिंग सॉल्यूशन इस तरीके से आता है, बताओ बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताइए everyone, fast raise your hands if this question is clear or not, and if there is any doubt to aap mujhe bata do, naina aapne hand raise nahi kiya hai, chaliye main baat karta hu ki next question, agle question pe chalte hain, main chahta hu ki aap hi log iska answer batao, question number 8, who can tell me the answer? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ओनली रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर, ये मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप ही लोग बताओगे। क्वेश्चन कहता है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 केजी, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7। एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा बताइए, टेल मी फास्ट। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, टेल मी, एट क्वेश्चन, मास इज गिवन टू अस, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस, फोर्स हैज बीन आस्क्ड, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स? यस,
निकिता, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन टेल मी द क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में से? मोमेंटम का कौन सा करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है, कौन बता सकता है फटाफट? दिशा, हमने पहले पढ़ लिया था सेकंड लॉ में, अब अपन चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। देखिए बेटा 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको, पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट ऑन द फ्लोर विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। नाउ बेटा ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर में, इफ द कॉन्स्टेंट, अगर कोई आदमी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, नाउ हु कैन टेल मी इफ द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हु कैन टेल मी? पिछले क्लास में पढ़ाया अपन ने, पिछले मोशन चैप्टर में, इफ द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, प्लीज टेल मी। Who knows the answer? ध्यान से देखो बोर्ड पे, now if there is a wooden block and we have applied 200 newton force in this direction, if velocity is constant, samajhna hai beta dhyan se, velocity constant hota hai to humne acceleration mein dekha tha, velocity is constant then acceleration is zero, aur isi ko apan bolte the uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो देन दैट मींस द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो जीरो, देन द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो जीरो। इफ द नेट फोर्स इज जीरो, इसका मतलब जितना फोर्स आपने आगे लगाया उतना ही फोर्स फ्रिक्शन इस पे क्या लगाएगी, पीछे लगाएगी, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रहेगी माइनस 200 न्यूटन, माइनस साइन डिनोट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। बड़ा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्वेश्चन दे रखा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसीलिए अपन ने बोला एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो दैट मींस द नेट फोर्स इज जीरो, एंड इफ द नेट फोर्स इज जीरो इसका मतलब जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 200 न्यूटन। अब बेटा बताओ कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे, अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर लो। ये अपन ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ये क्वेश्चन हालांकि पहले अपन कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा कर लूंगा। रीड आउट क्वेश्चन नंबर 11, आप इसको रीड करें घर पे, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1.5 केजी है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, सेम स्ट्रेट लाइन पे बट ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव होते जा रहे हैं, मतलब एक अगर टुवर्ड लेफ्ट आ रहा है तो दूसरा टुवर्ड राइट आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक साथ चलने लगते हैं और कितनी वेलोसिटी चलने लगते हैं वो अपन को कैलकुलेट करने को पूछा गया है। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ बेटा, ये क्वेश्चन हुआ हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, किसका क्वेश्चन हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ देखेंगे ध्यान से इसको बोर्ड पे अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक ये दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स, ये भी 1.5 केजी, ये भी 1.5 केजी, ये 2.5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, ये 2.5 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, ये कुछ देर बाद दोनों क्या कर जाते हैं, कोलाइड,
दोनों कर जाते हैं कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन ये दोनों साथ में चलने लगते हैं वी वेलोसिटी से, ये दोनों साथ में चलने लगते हैं वी वेलोसिटी से। तो ये वी वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है। क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम प्लस ये इनिशियल मोमेंटम आ गया इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा 1.5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देखो 2.5 इन दिस डायरेक्शन प्लस इसका होगा 1.5 इनटू 2.5 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.5 इनटू वी प्लस 1.5 इनटू वी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे इस तरफ हो जाएगा जीरो, देखो 1.5 इनटू 2.5 माइनस 1.5 इनटू 2.5 आंसर इज जीरो इज इक्वल टू वी इनटू वी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई जीरो, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन दे विल स्टॉप, आफ्टर कोलिजन दे विल स्टॉप। ये एक दूसरे से टकराने के बाद क्या कर जाएंगे बेटा, रुक जाएंगे। एंड यही क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो व्हाट विल बी द आंसर, आफ्टर कोलिजन दे विल स्टॉप, देयर वेलोसिटी विल बिकम जीरो, देयर वेलोसिटी विल बिकम जीरो। Now moving on to the next question. Question number 12. Who can tell me the answer for question number 12? Only raise your hand. Just raise hand करके बताना है for the answer for 12th question. क्या बोल रहा है? According to Newton's third law, when we push an object, ठीक है, हम जब भी push करते हैं एक object को, the object pushes us back with equal and opposite force. After that, if the object is massive truck parked alongside the road, it will be possible not to move. भाई जैसे ही अपन if the object is a massive truck parked alongside the road, ठीक है, तो ये बोल रहा है it will probably not move. भाई जैसे ही मैं ट्रक को push करूंगा तो वो move नहीं करेगा। आगे बोल रहा है student justifies this answer by answering that two equal and opposite forces cancel each other out. Comment on this logic and explain why the truck does not move. भाई मेरे को यहाँ पर explain करके बताना है कि जब मैं एक truck को push करता हूँ तो वो truck move क्यों नहीं करता? What is the reason behind it? Please tell me according to Newton's third law. इस law के according बताना है, Newton's third law के according बताना है. Now who can tell me please raise your hand. समझना, फील लेने की कोशिश करना हो क्या रहा है। बड़ा सा ट्रक बनाएंगे, एक आदमी बनाएंगे, दोनों को पुश करवाते हैं। ये बड़ा सा ट्रक, ये रहा बहुत बड़ा सा ऐसा ट्रक है ये मेरे पास, ठीक है, ये ट्रक है मेरे पास और यहाँ पर ये रहा मेरा आदमी। ये आदमी इसको पुश कर रहा है इस तरफ, मतलब आदमी ने ट्रक पे फोर्स कहाँ लगाया, इस तरफ लगाया। बदले में ट्रक आदमी से फोर्स कहाँ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। बेटा फोर्सेस कैंसिल तब होते हैं जब वो सेम बॉडी पे लगे। क्या यहाँ पर सेम बॉडी पे लग रहे हैं क्या? नहीं, दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। जब भी बेटा दो फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तो जो स्टूडेंट ने आंसर दिया अपन को क्वेश्चन के अनुसार वो गलत दिया। दूसरी चीज, ट्रक यहाँ पर मूव इसलिए नहीं होता बिकॉज द मास ऑफ ट्रक इज वेरी हाई, मास ऑफ ट्रक इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रक जो है यहाँ पर मूव नहीं करता है, उसी पोजिशन पर रहता है। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट रिजाइन करके बताओ।